नमस्कार दोस्तों, बात से बात चलो लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं, मैं और सुधा शर्मा। सुधा, स्वागत है आपका। नमस्ते कृष्ण, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस बार हमारे कार्यक्रम में थोड़ी सी देर हो गई, उसकी बहुत सी वजहें रही हैं। एक तो यहाँ गर्मी बहुत, दूसरा कुछ दूसरे कामों में मसरूफ है। सुधा कुछ ठीक नहीं रही, थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा जल्दी से आप ठीक हो जाएं तो हम अपने दोस्तों के पास ये प्रोग्राम लेकर जाएं। हालांकि कोई खास होता नहीं, आप तो जानते हैं कि हम तो बस इधर उधर से हल्की फुल्की बातें, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सुधा, अब सवाल मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत यहाँ से की जाए कि आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं पिछले 4 महीनों से, COVID-19 ज्वलंत मुद्दा जी जो हो रहा है, आप तो समाचार देखती होंगी। आज भी कुछ ऐसे समाचार आए हैं जो कि बहुत ही फिक्र में डाल देते हैं इंसान को, लेकिन क्या किया जाए मुझे बताइए आप। चिंता का विषय है, काफी चिंता का विषय है। और देखिए, इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विंटर में एक दोबारा एक ऐसी वेव आने वाली है जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल सही, हो सकती है अगर हमने सेंसिबली बिहेव नहीं किया। ये जो वेलकम ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं सर जेरेमी, उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमने बिहेव अच्छी तरह नहीं किया तो पहले से भी खतरनाक तरीके से ये रोग फैलेगा। तो इसलिए चिंता का विषय तो है ही। और देखिए, यहाँ पे ग्रेटर मैनचेस्टर में, वेस्ट यॉर्कशायर में, ईस्ट लंकाशायर में बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। अगर हम यूरोप के हवाले से बात करें तो फ्रांस है, माल्टा है, खासतौर पर उन्होंने नाम लिए हैं जो आज छुट्टियों पे लोग यहाँ से बहुत जाते हैं जी। और उन्होंने एक चीज ये भी कही है कि जो यात्री जा रहे हैं या आ रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं जा रहे हैं तो उनको रिफंड मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी यात्रा बुक करने से पहले, एयर टिकट बुक करने से पहले ये सोचें कि हमें, अगर हम लास्ट मिनट पे हम लोग कैंसिल करते हैं अपना ये ट्रिप, तो क्या हमें वो पैसा वापस मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। छुट्टी का मूड तो चला गया, छुट्टी का तो मजा ही चला जाएगा ना। हम लोगों की जो मानसिकता है एक बड़ी अजीब है, क्योंकि छुट्टियों का वक्त है, हॉलीडेज चल रहे हैं, हमने जाना है, लेकिन जाकर हासिल क्या करना है ये हमें सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन्हें यही है ना कि पल पल में जीना है तो जी लो, देखा जाएगा जो होगा। और गलत थिंकिंग है, गलत थिंकिंग। हमारे मुल्क में, इंडिया में तो इस समय बहुत ही बुरा हाल है, आप जानते हैं कि जी बिल्कुल। कभी राम भूमि जन्मभूमि पूजन हुआ था, राम जन्मभूमि में, वहां पे कुछ वाकये सामने आए जी, बड़े अजीबोगरीब वाकये। एक तो जो बाहर से लोग आए हुए थे, जो सत्ताधारी पार्टी कह लीजिए, दूसरे लोगों के जो भी लोग आए थे वो इवेंट देखने के लिए, वो ऐसे बेखौफ घूम रहे थे। मैंने देखा है न्यूज में कि जैसे कि श्री राम जो है वो उनके लिए वहां उनकी रक्षा करने के लिए विराजमान है बैठे हुए। बिल्कुल, तो देखा टेलीविजन पर, एक पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब आप कहाँ से आए? कहते हम बिहार से आए हैं। तो यहाँ लाखों दिए जल रहे हैं और लोग हैं, आपने कुछ मास्क नहीं पहना है, कुछ एहतियात नहीं बरती है, तो हमें कहां से उनका राम, हम यहाँ आए हैं, श्री राम हमें संरक्षण देंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। जब तक आप अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे कौन आएगा? जी, God help those who help themselves। सुना होगा आपने जी। कृष्ण, मैं ये सोच रही थी कि हम लोग बड़ी आसानी से ये कह देते हैं, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं हफ पोस्ट पढ़ रही थी तो उसमें एक आर्टिकल देखा, उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान है कि हम लोगों को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर बैठे लोग भी जो बड़े डिसीजंस लेते हैं वो भी गलतियां करते हैं। तो स्ट्रक्चरल गलतियां उन्होंने नाम दिया। और फिर मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि बात में दम है कुछ हद तक, क्योंकि देखिए जब अभी मार्च में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जबकि अमेरिका में कितने लोग मर रहे थे हर रोज जी,
उन्होंने मास्क पहनने से इनकार किया, और बल्कि ये नहीं, इसके अलावा उन्होंने कुछ रैलीज भी की, इलेक्शन रैलीज, तो वहां भी वो बिना मास्क के बैठे थे। तो जितने लोग बैठे थे उनमें ज्यादातर लोग मुझे दिखाई दिए किसी ने मास्क नहीं पहना था। तो जब मास्क नहीं पहना था तो, और सोशल डिस्टेंसिंग तो थी ही नहीं, तो बहुत लोग बीमार हुए। तो ये गलत मैसेज गया कि देखिए देश की जो अगुवाई कर रहा है, जो जी, देश, क्या था आपने? का, देश का जो भी अगुवा है, जो देश की अगुवाई कर रहा अगुआ, है, अगुवाई है या प्राइम मिनिस्टर है, जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वो करेगा जनता वो ही करेगी। आप इतनी दूर क्यों जाती हैं? मार्च अप्रैल की बात आप कर रही हैं, मैंने कल यहाँ टेलीविजन पे देखा है कि कहा गया कि यू कुड गो वेयर एवर यू वांट टू गो लाइक अब्रॉड, वी वोंट एडवाइज यू। अरे ये मतलब देखिए दो चीजें हैं, या तो बिल्कुल मत जाओ, जाना मना है, या जाओ हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो दो चीजें कंफ्यूजिंग, जैसा आपने कहा कि कंफ्यूज करती हैं, कि आप जा तो सकते हो, जाओ, लेकिन हम लोग सलाह नहीं देंगे जाने। अच्छा, हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी है यहाँ के, उन्होंने ये रीजन दिया है, जो अभी मैनचेस्टर वगैरह में स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि हम बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे के घर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। तो ले दे के बाद जो है, चाहे हम अपने नेताओं को कह दें कि वो गलती कर रहे हैं, चाहे जो भी कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम ही हैं उसके दोषी, हम ही हैं। और हमें, हम समझते हैं, इंतजार करना चाहिए कि जब तक कोई इसका इलाज नहीं आ जाता है या कोई वैक्सीन सामने नहीं आ जाती है, हमें सेंसिबली बिहेव करना चाहिए। देखिए, तो आप बताएं कि सेंसिबली बिहेव क्या है। बिहेवियर बहुत जरूरी है, सेंसिबल बिहेवियर, लेकिन मैं काफी हद तक ये भी समझता हूँ कि लोग बौखला गए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, जिसे बोलते हैं ना, हताशा छा गई है चारों तरफ। सामान लेने जाओ तो मुश्किल, अब तो खैर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जैसे पहले थी पहले तक, लेकिन फिर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है, आपको एहतियात बरतना पड़ता है, एक कदम आगे फिर दूसरा दो कदम पीछे हट जाता है। तो इससे ना लोगों में एक एक डर, एक अजीब सा फोबिया सा हो गया। तो बस हमारी तो दुआ यही है, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि इन सब से हम बचें, और कोशिश यही करते हैं कि लोगों को कैसे समझाएं, जिनसे भी फोन पर बात होती है, जिनसे भी मिलना जुलना होता है, कभी बाहर सड़क पे जाते हैं, वॉक करते हैं, तो यही सोचते हैं, यही बात करते हैं कि भैया मेंटेन द डिस्टेंस प्लीज। ये देखिए, ये डॉक्टर हेनरी करके हैं, कैनेडियन फिजिशियन, और इन्होंने काफी काम किया और कनाडा में काफी अंडर कंट्रोल में लाई हैं ये कोरोना बीमारी को। जी। तो इन्होंने अभी इंडियन एक्सप्रेस को इंडिया में इंटरव्यू दिया, और इनकी बुक है होप एंड वाटर एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मैंने लिख देखा था। उन्होंने भी यही इसी बात पे जोर दिया है, हमें बस यही सोचना है कि दुनिया जो है एक समंदर है, जिसमें हर कंट्री एक एक बोट में बैठा है, उसके मल्लाह ने समझा दिया है कि ये करोगे तो डूबोगे, ये नहीं करोगे तो बचोगे, और वो बैठ गया है, वो अपना भी बचाव कर रहा है, और आपको बता दिया है आपको कैसे बचाव करना है, अब आपकी मर्जी है। वही है ना कि हम सबको अपना अपना बचाव खुद करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ना मैं आपके पास आऊंगा आपको बचाने, ना आप मेरे पास आ सकते। तो चलिए सम अप कर दें दो चार पॉइंट्स जो है हमारे लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए। बार बार हाथ धोना, इतनी बार धोना कि बीए में नकल किए हुए पेपर भी दिखने लग जाए, देखिए। ये अच्छा है जी। और दूसरा, डिस्टेंसिंग 2 मीटर, तो बहुत जरूरी है 2 मीटर, मैं तो 3 मीटर की रखती हूँ। नहीं, मुझे समझ नहीं आता, आप डिस्टेंस आपका कहाँ है, आप तो पिछले 4 महीने से घर से नहीं निकली, जैसा आप मुझे बताती हैं। लोग मिलने आ जाते हैं, वो बाहर बगीचे में बैठते हैं, मैं नहीं अपने घर से बाहर कदम उठा। तो आपका तो डिस्टेंस ही डिस्टेंस है। डिस्टेंस उसके साथ मैं ये भी लगाती हूँ, मास्क भी लगाती हूँ, और मैंने कहा चलिए देखिए एहतियात बरतना बहुत अच्छी बात है। तो मैं शील्ड भी मैंने ले ली है, मैं शील्ड भी पहनूंगी, एहतियात बहुत बड़ी बात है। अभी जीने का मन है कृष्ण, अभी जीना है मुझे, अभी बहुत कुछ देखना है। अरे नहीं नहीं आप जी, तो बस यही है कि, और कोई बुरा माने तो आप ये शेर, नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला, बिल्कुल ये बहुत बुरा नहीं मानेंगे आजकल।
ऐसे हालात के लिए फिट बैठता है वैसे जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान ने चाहा तो अगर हमने ध्यान दिया तो हालात बेहतर होंगे जल्दी ही। बिल्कुल बेहतर होंगे। तो मेरे ख्याल से अब जाते जाते हम एक बार फिर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सबका आने वाला कल और भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।